हेलो तो गाइज यार कैसे हो सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। तो गाइज यार आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के नए अपडेट के बारे में, जो कि यार आप लोगों को बहुत ही जल्द हमारे बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के अंदर देखने को मिल जाने वाला है। अब यार आखिर ये अपडेट हमें कब देखने को मिलेगा, किस तारीख को देखने को मिलेगा और यार इस अपडेट के अंदर हमें कौन कौन से नए फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, इन सभी चीजों के बारे में आज की इस वाली वीडियो में हम पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो गाइज यार अगर आप लोगों को भी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के इस नए अपडेट के बारे में जानना है तो बस यार आज की इस वाली वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा वॉच कर लो। एंड यस अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर वीडियो एंड में पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। तो यार अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो देखो यार यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो कि आप लोगों को आने वाले इस अपडेट में देखने को मिल जाएंगे और यार फिर हम लास्ट में इस अपडेट के रिलीज डेट के बारे में बात करेंगे। तो यार यहाँ पे जो हमें सबसे पहले नंबर पर नया फीचर इस अपडेट के अंदर देखने को मिल जाता है वो है एक मेट्रो ट्रेन। जी हाँ गाइस इस अपडेट के अंदर हमें एक मेट्रो ट्रेन देखने को मिल जाने वाला है और देखो यार ये जो मेट्रो ट्रेन होने वाला है ये होने वाला है काफी ज्यादा फास्ट। मतलब कि यार आप एक बार इस मेट्रो ट्रेन के अंदर बैठ गए तो फिर ये दूसरे स्टेशन पे ही जाके रुकेगा। मतलब कि यार यहाँ पे इरांगल मैप में कुछ कुछ डिस्टेंस में हमें स्टेशन बने हुए देखने को मिल जाएंगे और ये जो मेट्रो ट्रेन है वो एक स्टेशन से लेके दूसरे स्टेशन, दूसरे स्टेशन से लेके तीसरे स्टेशन ऐसे चलती चली जाएगी। और यार जब ये मेट्रो ट्रेन किसी स्टेशन पे रुकेगी तो वहाँ पे आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा इस ट्रेन में चढ़कर बैठने के लिए। अब अगर आप 5 सेकंड के अंदर बैठ गए तब ठीक है, अगर नहीं बैठ पाए तो इस ट्रेन की जो डोर है वो क्लोज हो जाएगी और ये ट्रेन भाई साहब चल पड़ेगी। और हाँ गाइज जब तक आप इस ट्रेन के अंदर रहोगे आप लोगों को कोई भी एनिमी नहीं मार पाएगा, बिकॉज यार ये जो ट्रेन है वो काफी ज्यादा स्पीड में होगी। लेकिन जब ये ट्रेन दूसरे स्टेशन पे रुकेगी तो हो सकता है कि वहाँ पे एनिमी पहले से हो और एनिमी वहाँ पे आप लोगों को मार दे। तो यार ये जो मेट्रो ट्रेन आने वाली है ये मेरे ख्याल से काफी ज्यादा अमेजिंग है और ये मेट्रो ट्रेन आप लोगों को पबजी मोबाइल और बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के अंदर बहुत ही जल्द देखने को मिल जाने वाली है। अब यार बात करें हम अपने सेकंड न्यू फीचर के बारे में जो कि हम लोगों को इसी अपडेट में देखने को मिल जाने वाला है तो यार वो है हमारा ऑटो जंप का ऑप्शन। जी हाँ गाइस इस अपडेट के अंदर हमें ऑटो जंप का ऑप्शन देखने को मिल जाने वाला है जो कि यार किस तरह से वर्क करेगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देखो यार यहाँ पे पहले जब हमें कहीं भी लैंड करना होता था तो पहले हमें जंप के ऑप्शन पे क्लिक करना होता था, फिर हम नीचे जाते थे, हमारा पैराशूट खुलता था और फिर हम लैंड करते थे। लेकिन यार जब ये हमारा ऑटो जंप का ऑप्शन आ जाएगा तो यार हमें सिर्फ मार्क करना रहेगा। मतलब कि यार यहाँ पे मैप में जैसे आप कोई भी जगह को मार्क करते हो तो यार जो हमारा प्लेयर है वो खुद ब खुद उस जगह पे जंप कर जाएगा। मतलब कि यार यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ मार्क कर देना है और फिर हमें जंप का बटन प्रेस भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जहाँ हमने मार्क किया है ऑटो जंप की मदद से वहाँ पे हमारा जो प्लेयर है वो लैंड कर जाएगा। तो यार ये भी एक काफी ज्यादा कमाल का फीचर है जो कि हमें आने वाले नए अपडेट में देखने को मिल जाने वाला है। अब यार इसके बाद हमें बिल्कुल एक नया ड्रॉप देखने को मिल जाने वाला है जो कि यार आप लोगों को देखने में कुछ इस तरह का मिलेगा। अब यार ये जो ड्रॉप है इसे प्लेन लेकर नहीं आएगा बल्कि यार इसे एक ड्रोन लेकर आएगा। जी हाँ गाइस इस अपडेट के अंदर हमें ड्रोन देखने को मिल जाने वाला है जो कि हमें ड्रॉप सप्लाई करेगा और यार फिर हम इस ड्रोन को ब्लास्ट भी कर सकते हैं अपने गन की मदद से। तो यार ये भी एक काफी ज्यादा कमाल का फीचर है जो कि हमें बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के नए अपडेट में देखने को मिल जाने वाला है। अब यार इसके बाद हमें इस अपडेट में एक नया गन भी देखने को मिल जाने वाला है और यार यहाँ पे जो हमें गन देखने को मिलने वाला है ये एक मशीन गन होने वाला है जिसका कि भाई साहब नाम है MG3 और यार ये जो गन होने वाला है ये काफी ज्यादा फास्ट होने वाला है। मतलब कि यार ये जो हमारी नॉर्मल गन्स होती है उससे यार ये जो हमारी MG3 गन आ रही है वो 9 गुना फास्ट चलेगी। मतलब कि यार जितने स्पीड से हमारे नॉर्मल गन्स फायर करते हैं उससे 9 गुना ज्यादा स्पीड में हमारी ये जो नई गन आने वाली है ये फायर करेगी। मतलब कि यार इस गन को लेकर जैसे ही आप फायर के बटन पे क्लिक करोगे एनिमी खत्म। तो यार ये जो गन है हमें सिर्फ ड्रॉप में देखने को मिलेगी, ये गन हमें ऐसे ही कहीं भी नॉर्मल देखने को नहीं मिलने वाली है, ये जो गन है वो आप लोगों को सिर्फ ड्रॉप में देखने को मिलेगी। अब यार इसके बाद जो हमें नया फीचर इस अपडेट के अंदर देखने को मिल जाता है वो है एक बाइक। जी हाँ गाइस जैसा कि आप लोग स्क्रीन में पिक्चर देख पा रहे होंगे हमें कुछ इस तरह की बाइक देखने को मिल जाने वाली है। अब यार ये जो बाइक है हमारा जो ग्राउंड है उससे थोड़ा ऊपर होकर चलेगी। मतलब कि यार ये जो हमें नई बाइक देखने को मिलने
चलने वाली है, ये हवा में चलने वाली है। और यार अगर हम इस बाइक की लुक की बात करें तो लुक तो भाई साहब ओपी है ही। अब यार इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को इस अपडेट में टेस्ला का एक नया कार भी देखने को मिल जाने वाला है। और ये जो टेस्ला का कार होगा इसे आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी करवा सकते हो गेम के अंदर। सो यस गाइस, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के नए अपडेट में हमें टेस्ला का नया कार भी देखने को मिल जाने वाला है। अब यार इसके बाद जो हमें लास्ट फीचर इस अपडेट के अंदर देखने को मिल जाने वाला है वो है चेयर पार्क जैसा ही एक झूला। जी हाँ गाइस, मुझे इस फीचर का नाम तो नहीं मालूम इसलिए मैंने चेयर पार्क जैसा ही एक झूला बोल दिया। गाइस इस फीचर का फायदा क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यार जैसे ही आप इस झूले के पास जाओगे आप लोगों को ये जो झूला है वो आसमान की तरफ फेंकेगा और फिर यार वहां से आप जहां चाहो वहां लैंड कर सकते हो। तो यार कभी कभी बीच मैच में होता है कि हमें व्हीकल नहीं मिल रही होती है या फिर हमारे व्हीकल में फ्यूल नहीं होता है और भाई साहब हमें किसी और जगह जाना होता है, तो यार ऐसे में ये वाला जो झूला है ये हमें काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अब यार फाइनली हम जल्दी से बात कर लेते हैं इस अपडेट के रिलीज डेट के बारे में। तो यार ये जो अपडेट है वैसे तो हमें 6 जुलाई यानी कि आज के ही दिन देखने को मिल जाने वाला था, बट यार यहाँ पे शायद से कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसके कारण ये कहा जा रहा है कि हमें ये अपडेट 9 जुलाई को देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यार ऐसा कहा जा रहा है कि हमें 9 जुलाई को ये वाला जो अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा हमारे बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया और पबजी मोबाइल के अंदर। तो देखते हैं गाइस कि ये अपडेट हमें 9 जुलाई को देखने को मिलता है या फिर नहीं। तो यार जैसी भी न्यूज होगी मैं आप लोगों को अपने वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके लिए बस भाई साहब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड यस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। तो यार हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।